सर्वप्रथम हम इस बात के लिए आपसे माफी मांगते हैं कि कार्यक्रम में बहुत विलंब हो गया, और एक शिकायत आपसे यह है कि कार्यक्रम का स्थल इतना छोटा हो गया कि जो जन सैलाब मैं देख रहा हूं सबनीमा गांव से, जिस ढंग का आपके समुदाय के लोगों का सहयोग और समर्थन और प्यार आज माननीय ललन बाबू को मिला, हम समझते हैं कि चुनाव का परिणाम तो घोषित हो चुका है। बाबा महतो के चरणों में शीश झुकाते हुए मित्रों, मैं माननीय अजीत भगत जी, मुखिया सियंता देवी जी, नीरा देवी जी को और हमारी पार्टी के सम्मानित साथियों को हम हृदय से बधाई देना चाहते हैं कि आपने समाज के अति पिछड़े समुदाय के लोग, जिनको जातिगत रूप से भालू कहा जाता है, धानु का मतलब क्या होता है, धन, और धन किसके आप है, नीतीश कुमार जी के धन है, धानु समुदाय नीतीश कुमार जी की संपत्ति है, नीतीश कुमार जी के धन है, नीतीश कुमार जी आपके हैं, आप नीतीश कुमार जी के हैं। ये सिलदही और बसावन चक्की जनता ने 5 लोकसभा चुनाव में साबित किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपके आशीर्वाद के बदौलत, और ये बताना चाहते हैं मित्रों कि दुनिया देश के अंदर में विकास का कोई मॉडल पर बहस कर ले, मैं चुनौती देता हूं, जो सामाजिक न्याय का पाखंड करता है, जो सामाजिक न्याय के नाम पर कैदी अपराधियों लंपटों का राज चलाता है, चलाने की कोशिश करता है, माननीय नीतीश कुमार तो विकास के वो मॉडल है कि केवल पटना जिला में, जोड़ लीजिएगा अपना घर परिवार सब लोग, केवल पटना जिला के में हमने अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को, छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति कितना दिया, जरा हिसाब किताब रखना चाहिए। 12-13 साल हो गया है, 172,19,64,000 रुपया अति पिछड़े के बेटा और बेटी को पढ़ने के लिए हमने दिया है। विकास का कौन सा मॉडल होगा यह एक अलग बहस का विषय है। सड़क बनाना, बिजली लाना, ये सब हम लोगों ने किया है। आज की तिथि में मित्रों, आज की तिथि में मैं बता रहा हूँ, इस पंडारक प्रखंड में, केवल पंडारक प्रखंड चूंकि भूल जाता है लोग, 164 किलोमीटर 490 मीटर की सड़क इस पंडारक प्रखंड में माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में बनाया। 137 किलोमीटर बन गया है, 13 किलोमीटर निर्माण की प्रक्रिया में है। इस सड़क उलग जो हम ही लोग बनाए हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग भ्रमजाल में पड़ जाते हैं, ठेकेदारे को देख के कहते हैं कि यही सड़क वहां बनवा दिया है। अरे ये माननीय ललन बाबू और माननीय नीतीश कुमार जी के बदौलत काल के इलाके में कानून और राज का राज हुआ, सड़कें बनी, पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग अपना सम्मान और हक के साथ जीने लगे मित्रों। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आप माननीय ललन बाबू को सुनना चाहते हैं, हम आपसे यही विनती करने के लिए आए हैं, मजदूरी देने का वक्त है। आप समाज के अति पिछड़े समुदाय के लोग हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में जोड़ के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, चाहे वह पंचायती राज में हिस्सेदारी का सवाल हो, राजनीति में हिस्सेदारी का सवाल हो, पार्टी में हिस्सेदारी का सवाल हो, सरकार में हिस्सेदारी का सवाल हो, नीतीश कुमार जी ने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के आपके सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बाबा महतो जी के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने राजकीय मेला का दर्जा दिया, राजकीय सम्मान उनको दिया, कहा कि राज कोई रहेगा लेकिन राज चलाने वाले व्यक्ति को बाबा महतो के चरण में शीश झुकाना ही पड़ेगा, ये नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया। और हम समझते हैं कि आप उनका सम्मान करते हैं तो ये आपके प्रति बहुत बड़ा सम्मान है मित्रों। इसलिए मित्रों, ये लोकसभा का चुनाव है, माननीय नीतीश कुमार जी को आप ताकत दीजिए, और हम इतना ही कहना चाहते हैं, चैत के लगभग में चुनाव होगा, चैत महीना में लगभग चुनाव होगा ना, तो चैत में पुदीना का चटनी कितना अच्छा लगता है ना,
तो पुदीना का चटनी बनाइए उसी समय, चट करके करके दिल्ली में बड़े अंतर से चुनाव जीत करके चले जाइए। यही हम इस लही की जनता से आशीर्वाद मांगते हैं। और अब तो कोई लड़ाई भी नहीं रहनी है भाई, हम तो देख रहे हैं। कल बड़ैया में माननीय मंत्री जी ने हमको निर्देश दिया कि चलो हम वहां गए, विभिन्न कार्यक्रम में जा रहे हैं। जिस ढंग का जल सैलाब उमड़ गया है, तो हम तो यह समझते हैं और समाज के गरीब तबके का लोग जो प्यार और सम्मान माननीय नरेंद्र बाबू को मिल रहा है, हम तो समझते हैं कि राजनीति में इससे बड़ी कोई पूंजी मित्रों नहीं होती है कि समाज का गरीब व्यक्ति आपकी ओर ऐसा बड़ी निगाह से देखे। इसका मतलब कि आपकी साख, आपकी साख उन गरीब दलित मजलूम और अति पिछड़े समुदाय में आपका हक और हुकूक के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए उनके आंखों में पानी है, ये बताता है, ये प्यार दर्शाता है। तो खेती बाड़ी करते हैं ना सब लोग, खेती बाड़ी करते हैं। तब माननीय ललन बाबू और माननीय नीतीश बाबू के राज में इस सब का दमाही उमाही हो गया है। अब खाली बचन है लोकसभा चुनाव में ओसौनी कर दीजिए, भर पेट इलाज कर दीजिए और मुकामा की जनता के माथे पर जो कलंक का टीका लगा हुआ है। हम पहले भी आपसे विनती किए थे, लेकिन ऐसी गलती आपसे हो जाती है भावनात्मक रूप से, क्योंकि कुछ लोग को भय लगता है। ये जानते हैं ना माननीय ललन बाबू, एक मीटिंग में बताया कि नीरज तो एंटीबायोटिक इलाज करता है, हम तो होम्योपैथी इलाज करते हैं, लेकिन असर उसका बाहर गहरा होता है। लेकिन अब तो हम भगत जी को भी ले आए, तो जब भगत ही भी हो जाएगा, तो जब भगत जी आ गए तो इलाज कहाँ कुछ बचा, वो रोग बचेगा उसके बाद। भगत जी जब आ गए तो सब टाइप का इलाज, कोई झंझट नहीं है। इसलिए मित्रों हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप मजबूती के साथ रहिए। और ये सब लोग जो है जो तथाकथित मोबाइल पर लोगों को बोलता है, तो हमारे जैसा आदमी जिस पर 107 का मुकदमा नहीं हुआ, तब हम पर वो फर्जी केस करवा दिया। अरे 1000 नहीं 1,00,000 केस करवा दोगे फर्जी, लेकिन दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो ऐसे अपराधी और लंपटों के सामने हमको आत्मसमर्पण करने के लिए कहेगा, ये कतई मंजूर नहीं है। इसलिए हम मित्रों मजबूती के साथ आपको कहना चाहते हैं, सरकार खड़ी है, हम लोग खड़े हैं, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो हमारे कार्यकर्ताओं की ओर आंख दिखा देगा। आंख मैं बोल रहा हूं, कानून का राज है, राज हुआ नहीं चाहिए कि लालू यादव कैदी नंबर 3351, राजवल्लभ यादव 10518, शहाबुद्दीन कैदी नंबर 2, और चौथा लबलबा रहा है कि हम भी जाए कैसे हो, हमको भी मौका मिल जाए। नहीं, बिहार की जनता को चाहिए माननीय नीतीश कुमार, माननीय सुशील मोदी, माननीय रामविलास पासवान, माननीय ललन बाबू का कानून का राज, कैदी राज का जो भी पक्षधर है, जो हैट पर ललटेन रख लेगा, तो समझ रहे ललटेन में पंजी होता है किरासन तेल, और किरासन तेल जलता है तो क्या हो जाता है, तो दिमाग गड़बड़ा जाता है। तो लालू का जो भी समर्थन लेके आवे, लालू यादव इस बिहार की राजनीति का एक लंपटीकरण का पर्याय है, और लालू यादव के पक्ष में जो लोग खड़े होते हैं, अरे हमसे सीखो माननीय नीतीश कुमार जी से सीखो, कि जिस समय आरोप लगा भ्रष्टाचार का, हमने कहा कि सत्ता हमको नहीं चाहिए, हमको बिहार की जनता की इज्जत और साख चाहिए, भ्रष्टाचारी और अपराधी को हम किसी कीमत पर बिहार की राजनीति में पनपने नहीं देंगे, यही नीतीश कुमार जी का संकल्प है। आपसे ही विनती करेंगे, माताएं बहने हैं, आपसे एक ही विनती है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय ललन बाबू का केवल एक ही विनती और अनुरोध है कि आप अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए, पढ़ाइए, जो पढ़ेगा वही जिंदगी में अच्छा करेगा, और राजनीति में एक सही दिशा की ओर आगे बढ़िए। भ्रमजाल फैलाने वाले घूमे में अंदर बाहर करे वाला बड़ी आदमी रहता है, हुबुर हुबुर डर लग रहा है, और कहिया डर लग रहा का है भैया, कानून का राज है, तुरंत कार्रवाई हो जाता है, देखने रहे कैसे पटापट कार्रवाई हो रहा है, इलाज सबका हो रहा है बिहार में। इसलिए विस्तार से तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कानून के राज पर हम आपको इतना आश्वस्त कर देते
सकते हैं। हमने इस बिहार में करके दिखाया है, जहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपराधी गुंडा को समर्थन मिलता था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने कानून के राज में यह साबित कर दिया कि समाज के अति पिछड़े समुदाय के लोग हो या दलित समुदाय के लोग हो, जिनका नरसिंहार लालू यादव के राज में होता था, आज कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। जो अति पिछड़ा समुदाय के लोगों की ओर आग दिखा करके कह सकते हम नरसिंहार की राजनीति करने वाले हैं, ये कोई पैदा नहीं लिया इस बिहार के अंदर में। यही पूंजी है, चैन दिया है, सुकून दिया है, विकास भी आपके घर तक पहुंचाएंगे। यही विनती के साथ धन्यवाद।